हाय, दिस इज सार्थक राज और मेरे पास है रियलमी पावर बैंक 2 10,000 mAh का। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। अब हम लोग इसको खोल लेते हैं। इसके साथ अब हम लोग का पावर बैंक यहाँ पे है और हम लोग इसको निकाल लेंगे। इसके साथ हम लोग को एक यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड भी इसमें है, हम लोग साइड कर लेंगे। और इसके साथ एक केबल भी हम लोग को मिला है जो कि टू वेज है, जैसे टाइप ए भी है और टाइप सी भी है। और ये हम लोग केबल को साइड कर देंगे। और ये देखिए हम लोग का पावर बैंक ब्लैक कलर का है और ये मैट फिनिश्ड है। इसमें येलो कलर का रियलमी लिखा हुआ है और इसमें 4 डॉट है जो कि बैटरी को सपोर्ट बताता है कितना है। और इसमें हम लोग को टाइप सी चार्जिंग का चार्जिंग के लिए है पावर बैंक और एक यूएसबी पोर्ट है। और हम इसको दिखा देते हैं आपको कैसे ये लगेगा। हम लोग पहले इसमें यूएसबी पोर्ट में ये डाल लेंगे और मैं ये Redmi 8A12 का फ़ोन को ऐसे चार्ज कर लेता हूँ। और ये जैसे ही मैंने ऑन किया और ये चार्ज होना शुरू हो गया, देख सकते हैं। और चार्जिंग का टेस्ट करेंगे, आप देखते 2 मिनट में कितना चार्ज होता है। लगा दिया और ऑन कर दिया। अभी हम लोग का है 59%, आप देख सकते हैं। और 2 मिनट के बाद हम लोग अब देखते हैं, यहाँ पे हम लोग का टाइमर चल रहा है, 2 मिनट के बाद हम लोग देखेंगे कितना चार्जिंग हुआ। A few moments later. कर देते हैं और इसको निकाल देते हैं और इसका हम लोग चार्जिंग देखते हैं। 60% हो चुका है, 1% हम लोग का बढ़ा है, तब भी बहुत फास्ट चार्जिंग है। 2 मिनट में 1% बढ़ गया है, ठीक ही है। और ये आप गलतफहमी में ना रहे कि आप अब हम ऐसे अलग अलग 2 चार्जिंग करें, ये बस खाली एक साथ रहने के लिए ताकि यह बुला ना जाए। और ये एक ही बार में सिर्फ एक चार्जर हो सकता है, ना कि आप कि दोनों एक साथ कर सकते। और हम लोग को पहले टाइप सी चार्ज करने के लिए पहले लगाना पड़ेगा और टाइप ए चार्जिंग करने के लिए ऐसे लगाना पड़ेगा हम लोग का। फिर ये है कि हम इसमें लो करंट मोड ऑन कर सकते हैं। जैसे ये जो पावर मोड है इसको हम 2 बार टैप करेंगे तो लो करंट मोड ऑन हो जाएगा। और इसका हम जैसे सैनिटाइज़र, ईयरबड्स और अपने स्पीकर जैसे छोटे चीज़ को हम चार्ज कर सकते जो हाई वोल्ट करंट नहीं अफोर्ड कर सकते, और उसको हम लो वॉट में चार्ज कर सकते और ना ही उससे प्रोडक्ट ख़राब होगा, ना ही उससे हमारा ये पावर बैंक ख़राब होगा। और इसको हम अभी वापस इसको हम अपना नॉर्मल मोड में करने के लिए हम लोग इसको पहले निकाल लेते हैं। उसके बाद नॉर्मल मोड में करने के लिए वापस हम लोग को एक टैप करना रहता है और ये एक लाइट दिखाएगा डॉट और ये वापस नॉर्मल मोड में आ जाएगा। और ये हम वापस अपना किसी फ़ोन को जो टाइप सी का चार्जिंग करता है वो स्विच को चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा प्रोडक्ट जो ये 1,000 रुपये में फ्लिपकार्ट में, और ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।